में अपने पूर्वजों से सुना कि ये पूरा का पूरी हवेली ही 5,000 रुपए में बन गई थी, आज तक दरवाजा भी नहीं आ सकता इसका। और इसके अंदर 100 दरवाजे हैं, ऐसे इस हवेली में 100 दरवाजे हैं, 50 खिड़कियां हैं और 24 कमरे हैं। इतने अपने में एक वॉन्डरी है ये भी। हाँ बिल्कुल, खुली हवा, खूब एयरी, कमरे इतने बड़े बड़े, सीलिंग देखिए कितनी, तो क्या सीलिंग है इसकी, तो कौन छोड़ के जाना चाहता था, लेकिन मजबूरी ये हुई कि कोई भी इमरजेंसी हो तो कैसे जाएगा, इसलिए जाना। तो ये जो ऐसा मतलब यहाँ पे एडवांसमेंट हुई चांदनी चौक में, इतनी मार्केट प्लेस खुल गई, इतनी क्राउड बढ़ गई, तो बहुत सारे डिसएडवांटेज, नॉट एडवांटेज जो आप नहीं है, इट्स नॉट एडवांसमेंट, आई करेक्ट यू फॉर द प्रॉपर वर्ड नाउ। Being a resident and having all these memories connected, so it's like a very big disadvantage, right? Of course. We used to be in a so good neighborhood, like brother, sisters. You know, we used to celebrate Eid and Diwali together. We had a very... Now, everything has changed. तो कुछ इस हवेली में आपकी कुछ ऐसी यादें रही हैं बचपन की, या जो हमारी जनरेशन के जो लोग हैं, आप ये समझिए कि उन्होंने बिना टेलीविजन के, बिना बिजली के से, और आज तक जो डेवलपमेंट मोबाइल की आ गई, वो सारी देखी हुई है, और वही जनरेशन है। हमारे बाद वो चीज़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो बच्चे बाद में आए हैं, वो बच्चों को, और जो बड़े हो गए अब, और जो बुजुर्ग हो गए, जो एज्ड हो गए, तो उनको वो नहीं मिलेगी चीज़, क्योंकि हमारे टाइम में ना टेलीविज़न था। अच्छा, रेडियो को भी आप यकीन मानिए कि 3 बार बड़ी मुश्किल से सेट करना पड़ता था। रेडियो सिलोन आता था, और वहाँ से पिनाका बीको वज्रदंती का कोई वो ऐड आता था, और वो गीत माला आती थी, अमीन सयानी होते थे, बड़ी सुंदर आवाज में वो पेश करते थे, उसको लगाने के लिए रेडियो को सेट करना पड़ता था। टेक्नोलॉजी नहीं थी दुनिया की। नेक्स्ट डोर हमारे यहाँ एक टेम्पल है विच इज सेट टू बी मोर देन 1000 ईयर्स ओल्ड, 1000 ईयर्स किसी बराबर में है, वाइट का है, उसमें कहीं कोई हिस्ट्री नहीं है, किसी का नाम नहीं है, किसने बनवाया कुछ नहीं पता लग रहा, लेकिन उसकी तीसरी मंजिल की आप सीलिंग देखेंगे, सीलिंग पे गोल्ड से पेंटिंग हो रही है, तो वो अट्रैक्शन है टूरिस्ट के। खजांची गली है, इसको खजाना रहता है, खजाना रहता है, खजाना रहता था, या खजांची गली है, इसी को हवेली कहते हैं। तो इस हवेली का मतलब, ये कितने पुरानी हवेली है ये? हवेली औरंगजेब बादशाह का वास कर रहा था, अब कैसा साल हो गया ये कैसे बता सकते। मालकिन कौन है यहाँ की, मतलब यहाँ का मैन ऐसे तो है, अभी एक लेडीज है इसके अंदर में, वो बहुत बड़ी ऑफिसर थी पहले जी, हाँ अभी है, मैं इसका मैन मालिक है अनिल जैन, वो यहाँ नहीं रहता। उसका कैगो है यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा उठी का, ये हवेली से लेकर वो पूरा तक। पहले तो ऊपर ये सबके मकान थे और सबके नीचे दुकानें थी, फर्स्ट फ्लोर खाली था। तो अब ये पूरा पूरा वो बन गया है, स्पाइस का ही मार्केट। हाँ, बन पूरा गया, इसमें कोई लोग रहते नहीं, रिहायश नहीं है, ये रिहायश खत्म है, अब सारे जो ऊपर हैं वो गोदाम हो गए, जो नीचे हैं वो दुकानें हो गई। तो मतलब ये कभी ये जगह किसी एक इंसान के द्वारा मतलब ओन नहीं की गई, मतलब इसमें लोग हमेशा से रहते आए हैं, हमेशा। हाँ हमेशा से रहे, जब से बनी जब से रहे। इसके अंदर ये एक सराय थी, इसको लक्ष्मी नारायण गड़ोदिया जी ने खरीदा था 8 लाख रुपए में। अच्छा, 8 लाख में इतनी बड़ी खरीदी जगह। हाँ, सन 1919 में, और मारवाड़ी सेठ थे वो, उन्होंने ली थी। उसके बाद में इसका इंग्लैंड में नक्शा पास हुआ है, और उसके बाद ये मार्केट पूरी बनी है, जिसको बनने में 1900
33 के लपेटे बन के तैयार हो गई थी और 8 लाख इसको बनने में खर्चा आया था, तो टोटल ये जो जगह थी 16 लाख रुपये उस टाइम में। मेरी तो सब 10 साल से आप यहाँ पे हो तो नहीं, मैं नहीं हूँ, मेरे पापा वगैरह तो बहुत पुराने हम तो उस समय, और उस समय के चांदनी चौक में, उस समय के चांदनी चौक में आपको कुछ बदलाव दिखा या जो कि आप बहुत बदलाव भाई सब उस समय तो चांदनी चौक में जमुना जी बहती थी, आज तो नहीं बहती। तो क्या आप उस बदलाव से खुश हैं आप लोग? हाँ उस बदलाव से खुश है क्योंकि अब जो जमुना जी उधर हो गई, इधर थोड़ा रिहायश हो गई, बाजार बन गया, पहले बाजार कहाँ था। तो उस समय के बात में या तो अपने बचपन में अगर आप जाते हो तो कुछ आपको इस जगह की जो चीजें हैं वो आपको याद आती होंगी या जो आपको? वो तो याद आएंगी भाई साहब। एक तरफ था निवासी तो दूजी तरफ व्यापारी, एक का मरा बचपन तो दूजे की सजी जवानी, मगर एक चीज थी जिसने दोनों को जिंदा रखा, वो थी ये हवेलियां।